भाई तो साउथ में फिर से दूसरा ट्रेंड हो गया, मतलब कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर है और उत्तर में ग्राउंड फ्लोर नहीं था। आपको मैंने दिखाया था कि एक माले से ही चालू होता था, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ हो ची मिन्ह सिटी में ग्राउंड फ्लोर है। थोड़ा अलग सिस्टम हो गया है यहाँ का। और ये कुछ हमारी होटल के बाहर निकलते हुए हम, लेकिन आज भी जो है बारिश की बहुत ही ज़्यादा संभावना दिख रही है। और ये जो है हमारा होटल है, होटल फूगिया। तो हमने इसको इस तरह से याद किया था कि आप समझिए कि हमारी कोई खाने की चीज़ बिगड़ जाती है और उस पर फफूंदी लग जाती है, तो हम गुजराती में उसको बोलते हैं फूग। तो हमने उस तरह उसको याद किया था। और ये कुछ सुबह सुबह का नज़ारा है, मतलब कि 11 बजे का। तो भाई निकल चुके हैं हम अपनी होटल से और जाना है हमें पहले इंडिपेंडेंस स्क्वायर। तो कोई अगर बाइक वाला ले जाता है तो हम चलते हैं वहाँ, क्योंकि बारिश तो आने वाली है। तो फिर आज जल्दी जल्दी 2 3 जगह घूम के हमको वापस आ जाना पड़ेगा। और वीडियो 2 बार मैंने पाना है कि एडिट की, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रही, तो कुछ शायद कारण है, तो देखते हैं। तो भाई निकल चुके हैं हम अपनी होटल से और जाना है हमें पहले इंडिपेंडेंस स्क्वायर। तो कोई अगर बाइक वाला ले जाता है तो हम चलते हैं वहाँ, क्योंकि बारिश तो आने वाली है। तो फिर आज जल्दी जल्दी 2 3 जगह घूम के हमको वापस आ जाना पड़ेगा। और वीडियो 2 बार मैंने पाना है कि एडिट की, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रही, तो कुछ शायद कारण है, तो देखते हैं। इस शहर में भाई बहुत ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है। सामने देखिए वो निशान है जो कि अब हरा होगा, तो हम चलेंगे यहाँ से। देखिए हो गया हरा। तो भाई इस तरह से कुछ हमने ग्रैब बुला ली है और कुछ ही मिनटों में यहाँ ग्रैब पहुँच जाएगी, मतलब कि ग्रैब बाइक बुलाई है, कुछ ही मिनटों में पहुँच जाएगी। तो हम चलते फिर उसके साथ इंडिपेंडेंस स्क्वायर। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें। हमारा होटल है वहाँ आजू बाजू में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। ये हमारे ग्रुप वाले भाई साहब, ये जो भाई आप देख रहे हैं वो है जो हेलीकॉप्टर और विमान छोड़ के गए थे अंग्रेज़ यहाँ, वो है। और हम वॉर म्यूज़ियम में भी शायद जाएंगे। ये है भाई यहाँ का इंडिपेंडेंस पैलेस। और जानते हैं कि अगर कुछ जानने को मिला तो यहाँ कि किस तरह से इसको इंडिपेंडेंस पैलेस बोला जाता है, मतलब कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये हम आपको अगर हमें जानने को मिली तो हम पक्का ही जानाएंगे आपको। अब चलते हैं यहाँ से वॉर म्यूज़ियम की तरफ, जो कि हमको ये तो देखने को मिलेगा कि अमेरिका के पास क्या क्या हथियार, मतलब कि क्या क्या वही। केले खाने की इच्छा थी हमारी, लेकिन केले तो हमको मिले नहीं। तो फिर हमने
यहाँ से एक कोकोनट वाटर ही ले लिया है जो कि 20,000 डोंग का है, मतलब कि 60 रुपये के आसपास का, 60-65 रुपये के आसपास का है। तो भाई 40,000 डोंग की कुछ इसकी टिकट थी और हम आ चुके हैं यहाँ अंदर और दिखाते हैं कि अमेरिका को क्या क्या छोड़ के भागना पड़ा है यहाँ। ये जो है एक हेलीकॉप्टर है, इधर ये टैंक है, एक और टैंक है और ये जो है तब का लोडर है, बुलडोजर, जो तब काम में लिया जाता था अमेरिका की तरफ से। चालीस टन का है ये बुलडोजर। जो कि यूएस आर्मी कंस्ट्रक्शन के काम में लेती थी। और ये हमारे यहाँ मिलने वाले बोफोर्स जैसे तोप, जो कि बोफोर्स तोप होते हैं उस तरह के हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं यूएस एयरफोर्स के प्लेन और चार्टर प्लेन छोटे वाले, ये जो युद्ध विमान होता है वो। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। इस तरह का कुछ नाम है बर्ड थान चुंग, छोड़ो यार, वॉर म्यूजियम है। ये भाई इन लोगों की कुछ जेल का नक्शा है कि कहाँ कहाँ कौन सी जेल थी। तो ये इस तरह का है जो कि छोटी जेल होती है, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन और प्रोविंस क्लास प्रिजन होती है, और बिग जेल। ऐसे दिखाया गया है कि ये जो है वो बड़ी जेल है, ये डिस्ट्रिक्ट क्लास है, और ये जो है वो प्रोविंस प्रिजन। और ये जो बड़ी जेल होती है उसके कुछ यहाँ फोटो भी लगाए हुए हैं। और ये कुछ उस जमाने के अवशेष पड़े हुए, जैसे कि टेलीफोन है, हथकड़ी है, चाकू, और ये मास्क। ये कुछ यहाँ वीडियोग्राफी है कि किस तरह इन लोगों को जो यातनाएं दी जाती थी, ऊपर से प्रोजेक्टर के जरिए दिखाया है कुछ इस तरह की है। ये भी उनका सजा देने का तरीका था, ऊपर छुरा है, यहाँ बांध देते थे और फिर गला उड़ा देते थे। और कुछ यहाँ भी है जो कि अमेरिकनों ने यहाँ बहुत ही इस तरह की जालियों में उसको बंद कर देते थे। देखिए कुछ इस तरह, ताकि वो इतने में सिमट के रह जाए, बाकी कांटे लगे हैं। देखिए कुछ इस तरह से बांध देते थे और फिर ऊपर से जो वीडियो देखा उस तरह का पानी फेंका करते हुए, ताकि सो न पाए।
और अपने घुटने टेढ़े थे और ये बिना फटे बम को कुछ इस तरह सजा के रखा गया है। ये कुछ इस जर्माने के हथियार है बंदूक के और ये हमारे देसी तमंडे की तरह। ये जो बोरियाँ आप देख रहे हैं वो इस तरह की जेलों में ले जाने से पहले इस बोरी में भर देते थे। कितनी यातनाएं सही है लोगों ने। और म्यूजियम के अंदर ही कुछ इस तरह की सोविनियर्स है जो कि सामने है। ये जो है वो सब औरतों के पहनने का सामान है। ठीक है तो फिर चलते हैं अब यहाँ से पैंथेन मार्केट की तरफ और देखते हैं कि पैंथेन मार्केट में क्या क्या मिलता है। यहाँ तो वो जो देखने का था जो हमने आपको दिखाया उतना ही था, बाकी तो सब जो है वो फ़ोटोज़ लगी हुई थी तो फ़ोटोज़ का तो इतना कुछ मतलब रहता नहीं, इसलिए हमने सोचा कि अब यहाँ से निकल के पैंथेन मार्केट चलते हैं। ये भाई कुछ इस तरह से है पैंथेन मार्केट जो कि पूरा का पूरा एक स्क्वायर में बनाया गया है। देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। वैसे हमें तो कुछ ख़रीद करना का नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए हम आए हैं तो देख लेते हैं अंदर क्या है। तो भाई बाहर बारिश शुरू हो चुके थोड़ी थोड़ी और यहाँ कुछ इस तरह के फल मिलते हैं यहाँ भी और थाईलैंड में भी जो कि ये जो है वो मैंगो सिंह कुछ नाम है इसका। इसको खोल के बाद में इसके अंदर से इसको खाया जाता है। ठीक है तो हम चलते हैं ये पैंथेन चौक पैंथेन में और दिखाते हैं आपको कि यहाँ क्या क्या मिलता है। ये तो सब फूल की दुकानें हैं यहाँ। पैंथेन मार्केट के अंदर ही कुछ सब्जी मंडी है। फ्रूट मार्केट जैसा है, अगर डबल ही सेव मिल जाए तो बहुत काम हो जाएगा अपना। यहाँ देखिए एक चीज़ है, अगर आपको दिखाई दे तो ये देखिए, ये जो है वो स्नेक वाइन है। भाई तो स्नेक की भी ये लोग वाइन बना देते हैं, मतलब के दारू बना देते हैं स्नेक की भी।
शायद डर नहीं लगता होगा मरने का कभी। तो कुछ इस तरह से छील के उसको खाते हैं। तो भाई यहाँ काजू मिल रहे हैं जो कि 350 के एक किलो है, मतलब के हमारे इंडिया के 1300 रुपये के आसपास हुए। सब काजू की दुकानें हैं, सूखी हुई कीवी, ऑरेंज है सूखे हुए। हेलो हेलो, काजू केशो, हाउ मच बाय नाउ आई शो गुड प्राइस फॉर यू। व्हिच प्राइस? हाउ मेनी किलो यू बाय? यू नीड हाउ मेनी किलो? आई थिंक 1 किलो ओनली। ओके, 250 ओनली। 250? यस भाई, वहाँ 350 बोला, यहाँ 250 बोला, मतलब कि अभी कुछ भाव हो सकता है। उधर एक पार्ट सब्जी मंडी का था, फिर काजू नट का था, और अब ये कपड़ों वाला पार्ट है जो कि रेडीमेड भी है और सूट भी है। भाई सबसे अच्छा प्राइस हमें, आप पीछे देख रहे हैं, बैंथन मार्केट में है, जो कि हमें डॉलर का मिला है, $100 का, 24,970 97,000 इतना मिला, मतलब कि 25 में 2-3 कम बस, ठीक है भाई। तो हम तो बाहर निकल आए हैं, अपने अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और हमको तो कुछ ख़रीदना था नहीं। स्केचर के जो शूज़ थे उसका यहाँ पे जो भाव हमको बताया गया, वो बताया गया 1500-1600 रुपये, लेकिन फर्स्ट कॉपी थी शायद, ओरिजिनल तो नहीं मिलेंगे 1500-1600 में। ठीक है तो चलते हैं, अब बारिश तो थोड़ी थोड़ी चालू ही है, तो फिर चलते हैं यहाँ से अपने होटल की ओर। बाय बाय कर देते हैं बैंथन को, और एक जो फ़ोटो है वो बैंथन का बड़े गेट से ले लेते हैं और दिखा देते हैं आपको किस तरह का बैंथन का मेन गेट है। भाई तो ये है कुछ बैंथन मार्केट का गेट, और बहुत सारे इंडियन भी है यहाँ, आप देख सकते हैं। और हमने आपको जैसे बताया कि यहाँ सबसे ज़्यादा ये गाय है, तो फिर बैंथन का मतलब क्या होता होगा। ठीक है, ढूंढते हैं मतलब भी और बताएंगे अगर हमको मिल गया तो। द फायद हो ची मिन सिटी इकोनॉमी फोरम। ओके तो भाई चल रहे हैं हम यहाँ से, अब सीधे जाएंगे बुई बियान स्ट्रीट पे, जो कि हम तो भूख लगी है बहुत, तो वहाँ जाके खाना खा लेंगे और बाद में अपने रूम पे जाके जो आज हमारी गलती या कुछ भी गए उससे नहीं हुआ है वीडियो अपलोड, तो हम अपलोड करेंगे, दिखा दें होटल में जाके कि किस तरह का थाली का सिस्टम है वहाँ। हमारे यहाँ
आदत नहीं है हेलमेट की तो फिर हम भी भूल जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ हेलेंस इंडियन करी करके कुछ है, वैसे तो दो तीन रेस्टोरेंट है, एक यहाँ है नमस्ते इंडिया, एक यहाँ है हेलन इंडियन, तो देखते हैं कि किस तरह का यहाँ का मेनू है, और अगर खाली होगी तो हम खाएंगे, नहीं तो फिर दूसरी जगह देखेंगे कहीं। तो भाई इस तरह की कुछ आलू पनीर मटर की सब्जी है, दाल है, चावल है, और ये जो कुछ रायता है, पापड़ और प्याज। उन लोगों ने गुलाब जामुन भी दिया था लेकिन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने गुलाब जामुन वापस दे दिया है। मुझे पसंद नहीं है इसलिए, वरना दिखने में बहुत अच्छा था लेकिन मैं नहीं खा पाऊँगा। ये जो कॉम्बो है वो 110, मतलब कि 1,10,000 का कॉम्बो है वियतनामी डोंग का। भाई तो ये इंडियन करी करके जो रेस्टोरेंट था, यस हेलेंस इंडियन करी, वहाँ हमने खाना खा लिया है, और अब धीरे धीरे चलते हैं अपनी होटल की तरफ। सुबह 10:30 बजे निकले थे, 10:30 के आसपास, तो 3 बजने को आया है आज का, तो ठीक है इतना ही। अब चलते हैं होटल में और रात को आपको दिखाएंगे जहाँ से हम अभी निकल रहे हैं। ये है बुई बियान स्ट्रीट, जिसे वॉकिंग स्ट्रीट भी कहा जाता है। एंट्रेंस में एक गेट है और इस तरफ भी एंट्रेंस में एक गेट है, तो देखिए इस तरह के कुछ फील करते हुए गोरे भैया लोग। ठीक है, तो एक एंट्रेंस से मैं आपको शॉट दिखा देता हूँ। भाई तो ये कुछ यहाँ का पगोड़ा है, इसे पगोड़ा बोला जाता है, और 2,40,000 रुपये में आपको एक घंटा पूरा शहर घुमाएगा, मतलब कि एक घंटे तक शहर में घूमता रहेगा जहाँ भी आप चाहे। ये है भाई बुई बियान स्ट्रीट का, बुई बियान वॉकिंग स्ट्रीट का गेट, और आप दिन की ये दशा देख सकते हैं और रात को देखेंगे कि कितनी पब्लिक होती है यहाँ। तो ये देखिए इस तरह का गेट है, ऐसा ही गेट उस तरफ भी है। राइट, रात को यहाँ एलईडी चालू होती है तो रिफ्लेक्ट बहुत आता है, इसलिए कैमरे में शायद कैद होगा नहीं होगा, इसलिए दिन को हम आपको दिखा रहे हैं।